हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 57 हमें दे रखा है, ड्रो द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये जो मैं डाटा दे रखा है, इसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो देखो, अगर पॉलीगन बनाना हो तो हमारे पे जो मार्क्स दे रखा है, ठीक है, इन मार्क्स की हमें पहले निकालनी पड़ेगी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स से, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जोड़ो, 0 + 10 / 2 कितना आया 5, 10 + 20 कितना हुआ 30, 30 में 2 का डिवाइड दिया कितना आया 15, दोनों को जोड़ा 50, 50 में 2 का डिवाइड दिया 25। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, इन दोनों में कितने गैप है 10, दोनों में कितने गैप है 10, इन दोनों में 10, 10 का करा हाफ 5, 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये तो आ गया आपके मिड वैल्यू, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब मैंने ऑलरेडी पहले से कार्टेशियन प्लेन बना रखा है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक। मैंने एक एक सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप लिया हुआ है। मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स एक्सिस के ऊपर, जो ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट स्केल भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जो इसको मिड वैल्यू है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा 5 का इंटरवल लेके, जैसे कि यहाँ दे दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ठीक। अब जो मेरी फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 18, 16, 12, 2, आप अपने हिसाब से स्केल चूज़ कर सकते हो। चाहो तो 4 का गैप ले लो, या 3 का ले लो, या 5 का ले लो, अपने हिसाब से। मैं बट यहाँ पे इसको शो करने के लिए 2 का इंटरवल लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब बेसिकली है क्या, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम वाई एक्सिस पे यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं बताते तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। और ये जो हमारी है, ये हमारे होंगे मार्क्स, ठीक है। और ये सारा काम आपको ग्राफ शीट पे करना है, प्लेन शीट पे नहीं करना है, आपको साफ नज़र आए इसलिए मैं यहाँ पे प्लेन शीट यूज़ कर रहा हूँ। और आपको पेंसिल से बनाना है, पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मैं तो आपको वीडियो में क्लियर नज़र आए आपकी जो लाइन है, इसलिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अब देखो, हमें मिड वैल्यू को, आप जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई का कोऑर्डिनेट आता है, तो इसी तरीके से हमें लेना होगा इसको। जैसे कि 5 और 3 आ रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 3, तो जैसे कि मेरा ये रहा 5 और 3, 2 और 3, इनके बीच में आ जाएगा मेरा 3। तो मैं इस तरीके से इसके पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ, 3 अप्रॉक्सीमेटली करीबन यहाँ होगा। इसी तरीके से 15 पे 9 इसको मेंशन कर लेते हैं, 15 हमारा ये रहा, तो मैंने 15 पे स्केल को रख लिया, और हमें चाहिए 9। तो देखो 8 ये रहा और 10 ये रहा, इनके बीच में हो जाएगा 9। ये लो जी, ये ले लिया दूसरा पॉइंट हमारा। तीसरा पॉइंट 25 पे 18, 25 हमारा ये रहा, मैंने 25 पे रखा है इसको, 25, और हमें चाहिए 18। देखो, अगर ग्राफ शीट होती है तो बड़ा बनाना आसान होता है, ठीक। प्लेन शीट ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 25 पे मेरा है 18, तो 18 आ रहा है मेरा यहाँ पर, इसको मैंने मार्क कर लिया। अगला है 35 पे 16, 35 ये रहा और 16 दिखा रहा है, मैं ये 16 मेरा ये आ जाएगा। अगला पॉइंट है 45 पे 12, 45 ये रहा, इसको शो करना हमें 12 के ऊपर, 12 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद है 55 पे 2, ये हमारा 55, इस पर हमें रिप्रेजेंट करना 2 को, 2 ये रहा। इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे हम। इतना शो करने के बाद में इसके देखो, ये जो दोनों किनारे हैं, इसको हमें ज्वाइन करना होगा इस एक्स एक्सिस के ऊपर। किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, जैसे कि 55 है ये हमारे इमेजिनरी होगा, तो इसका अगला नंबर हमारा कौन आ जाएगा 65, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 0। तो ये मेरा देखो 65 पे 0, इस पॉइंट को हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरीके से ये 5 है, 5 से ऊपर कौन होगा हमारा, -5 होगा, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरफ।
देखो ये जो शुरुआत का और एंड का, इसका हमें मालूम नहीं था, इसीलिए देखो जैसे कंटिन्यू हमारा चल रहा 5, 15, 10, 10 घंटे में चल रहा, तो उसके अकॉर्डिंग 55 की बात कौन होगा 65, तो मैंने इसका अगला पॉइंट 65 पहले के ज्वाइन कर दिया, और 5 से पहले देखो 10 घंटे वाला, तो अगला पिछले वाला नंबर कौन होगा माइनस का 5, तो मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बन के यहाँ पे तैयार है। आप चाहो तो इन सभी को नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया, इफ दैट 26 इंग्लिश अल्फाबेट आर टेकन सच दैट ए इज इक्वल टू 2, 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3, यानी कि इनके जो अल्फाबेट है उनको अगर काउंटिंग अकॉर्डिंगली लिया जाए, ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से लिया जाए जेड तक, अगर ए को 1 पे, बी को 2 पे, सी को 3 पे, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अगर लिया जाए, तो इसके जेड की पोजीशन आती 26, देन फाइंड द मीन ऑफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वोवल, जितने भी वोवल होते हैं उनका मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। अब वोवल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए आता हमारा फर्स्ट पोजिशन पे, ई आता फिफ्थ पे, आई आता हमारा 9 पे, ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका निकालना है मीन, मेन का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है इन सबका सम, 1 + 5 + 9 + 15 + 21, कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, देन डिवाइड बाय कर देंगे 5 से, इन सभी को ऐड किया 51, 51 में 5 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 10.5, मेन आ गया। अब निकालेंगे इसका मीडियन, तो मीडियन में देखो सबसे पहले इनका अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद में अब यहाँ हमें देखना है कि इवन केस है या ऑड केस है, नंबर कितने हैं यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमारी जो एन है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है 5 को, यानी कि ऑड केस है, अगर ऑड केस हो तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2, इन केस अगर इवन होता तो फॉर्मूला लगता है n/2 टर्म, ये टर्म होगी हमारी n/2 प्लस में 1 टर्म एंड डिवाइड बाई 2, इवन केस होता तो ये फॉर्मूला लगता है मीडियन का, बट यहाँ पे ये वाला लगेगा, तो 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दिया, थर्ड टर्म होगी हमारी। अब तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है 9 किसको डिनोट करता है आई को, तो हमारा मीडियन हो जाएगा 9 एंड आई। फिर बोला विच अल्फाबेट कॉरेस्पॉन्डेंट टू द मीडियन, कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंट डिनोट करता है मीडियन को, आई, वैसे तो 9 निकल गया है बट यहाँ पर अगर अल्फाबेटिकली देखा जाए तो मीडियन कौन होगा आई, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।